हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वैल्यू ऑफ ट्रेडिंग। तो चलिए देखते हैं, आज मंथ का फर्स्ट डे है। आज का मोमेंट कैसा रहा मार्केट का, हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कैसा मोमेंट रहा, एंड एज पर आवर एक्सपेक्टेशन मार्केट हैज मूव्ड अपसाइड। सो हम लोग देखेंगे कि आज का ट्रेड कैसा हो सकता था एंड क्या प्लान था। और आज हम देखें तो देखिए, आज हमारा बैंक निफ्टी का, पहले स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी से। पहले देखें, अगर बैंक निफ्टी का देखें तो एक गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद देखिए यहाँ से ये बियरिश कैंडल बनाया, यहाँ तक सेकंड कैंडल भी बियरिश बनाया, उसके बाद देखिए ये रिजेक्ट हो गई और यहाँ पे हमको एक यहाँ पे क्लोजिंग मिला। यहाँ पे आज का मार्केट देखे तो मार्केट देखिए अपसाइड मूवमेंट ही रहा, एंड जैसे कि हमारे पहले के एनालिसिस के हिसाब से देखे तो मार्केट अपसाइड मूवमेंट दिया एंड इसी रेंज में रहा। और हम लोग का एक्सपेक्टेशन एंड हम लोग का व्यू था कि क्या मार्केट 38,000 जाएगी कि नहीं, तो 38,000 आज तो क्रॉस नहीं कर पाई, बट आने वाले टाइम के लिए हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट अगर 38,000 क्रॉस हो गई तो उसके आगे थोड़ा और जा सकती है। एंड हमारा भी इसके इसी प्रकार से है, आज 37,900 तक इसका मूवमेंट रहा। आज का अगर मार्केट देखें तो लो ये 37,400 के आसपास यहाँ तक आ गई थी, बट ये वाला रिजेक्ट हो गया देखिए यहाँ से, एंड स्लोली ये ऊपर की तरफ गया देखिए, स्लोली स्लोली ये ऊपर तक ऊपर साइड ही दिया। एंड आज का मूवमेंट फुल्ली अपसाइड है, तो आज जो भी अच्छे से अगर कॉल बाई किया होगा उसको अच्छा प्रॉफिट का ही चांस था, क्योंकि आज लॉस का चांस कम था। बिकॉज मार्केट वन साइड मूवमेंट दिया, अगर हमको दोनों साइड मूवमेंट देता है, जिगजैग मूवमेंट रहता है या फिर ऊपर नीचे दोनों साइड होता है, तो हम लोग अगर कोई कॉल या पुट कोई भी कुछ मतलब कुछ भी हम लोग खरीद के बैठे हैं तो हम लोग फंस जाते हैं और वहां पे हमारा लॉस होने का चांसेस रहता है। बट आज का अगर हम देखें तो वन साइड मूवमेंट है, अगर कॉल बाय किए हैं तो आज प्रॉफिट अच्छे से बना होगा क्योंकि वन साइड मूवमेंट था। अगर हम लोग गलती से पुट भी ले लिए तो हमारा स्टॉप लॉस तो जल्दी ही हिट हो गया होगा। देखिए अगर यहाँ पे हम पुट बाई भी कर लेते कि हम नीचे आ रही मार्केट करके, तो यहाँ से हमारा स्टॉप लॉस हो गया हिट। उसके बाद से देखिए यहाँ पे फिर से हमको एक एंट्री पॉइंट मिल गया यहाँ पे, तो यहाँ से हम लोग को कॉल बाई करने का चांस मिल गया। सी बींग अ ट्रेडर वी शुड ऑलवेज प्लान अवर एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट। देखिए यहाँ पे अगर हम एंट्री कहाँ पे लेना है एंड एग्जिट कहाँ पे लेना है, ये हमको पहले प्लान करना होगा एंड हमारा टारगेट सबसे पहले प्लान करना होगा, क्योंकि अगर हमने एंट्री ले लिया एंड अपने टारगेट पे एग्जिट नहीं ले पाए तो ये हमारे लिए सही नहीं रहेगा। क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग एक ऐसा ट्रेडिंग है जैसे कि अगर हमने एंट्री ले लिया एंड हमारा टारगेट टच भी कर लिया और हम लोग वहाँ पे एग्जिट नहीं किया, तो फिर से चांसेस आर वेरी हाई कि फिर से वो नीचे आ सकता है एंड हमारा प्राइस फिर से डीके हो सकता है। ये हमें हमेशा ध्यान पे रखना पड़ेगा, जब ट्रेड लेने से पहले हमारा टारगेट पहले डिसाइड कर लेना पड़ेगा कि कहाँ हमको एग्जिट लेना है। एंड ऑल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस भी हमको हमेशा ध्यान में रखना होगा कि हमको स्टॉप लॉस फॉलो करना है। स्टॉप लॉस कभी भी माइंड में नहीं रखना है, सिस्टम में रखना है, क्योंकि कैसे होता है कि स्टॉप लॉस हम लोग माइंड में तो रखे रहते हैं, चलो ठीक है 10 रुपये का स्टॉप लॉस है, 20 रुपये का स्टॉप लॉस है, 30 रुपये का स्टॉप लॉस, जो भी है, कभी भी स्टॉप लॉस अगर हम माइंड में रखेंगे तो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि मूवमेंट इतना फास्ट रहेगा कि जो हमारे माइंड में रहेगा उसको सेट करते तक इमीडिएट हमारा स्टॉप लॉस जो हमारे माइंड में रहेगा उससे नीचे आ जाएगा। इसलिए हमेशा स्टॉप लॉस सिस्टम में रखना है, कभी भी माइंड फॉलो नहीं करना है, क्योंकि अगर हम लोग माइंड में रखें तो हो सकता है जो हम लोग सोच रहे हैं उससे भी नीचे आ जाए। तो इसलिए स्टॉप लॉस का भी ध्यान रखना है और टारगेट का, टारगेट भले एक बार कम हो सकता है, जैसे हमारा टारगेट अगर आपका टारगेट 1:2 का है तो 1:1.5 भी लोगे तो सही है, बट वो भी टारगेट 2:1 का नहीं होना चाहिए कि अब हमारा टारगेट तो है 20 रुपये का और हमारा लॉस हो गया 40 रुपये, तो ये हमेशा ध्यान में रखना है। तो इसलिए कभी भी स्टॉप लॉस सिस्टम में ही रखना है। एंड वन थिंग कि आज अगर हम देखें तो आज का मार्केट तो बहुत ही अच्छा रहा है, वन साइड मूवमेंट रहा तो आज प्रॉफिट का पूरा चांसेस था। देखिए स्लोली ये ऊपर की साइड गया है और यहाँ पे आके रुकी है 37,800, देख सकते हैं कि 37,800 के आसपास यहाँ पे मार्केट क्लोज हुई। देखिए यहाँ पे तो हम लोग देखेंगे कि मार्केट कल कहाँ पे ओपन होती है, अगर ये फ्लैट ओपन होके 38 क्रॉस कर देती है तो हमारा एक व्यू फिर से बन जाएगा कि ये 38,000 के ऊपर जा सकती है, तो हमारा फिर से एक प्लान हो सकता है 100-200 पॉइंट तक का मूवमेंट का, फिर से हम लोग एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं 38 क्रॉस कर दी तो। अगर गैप डाउन ओपन होती है तो हम लोग ये वाला लेवल का वेट करेंगे, ये लेवल अगर इस लेवल से नीचे आ जाती तो हम लोग फिर से नीचे साइड मूवमेंट का एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये लेवल टूट गई है उसके बाद ऊपर गई है। एंड अगर 37,750 के नीचे आ गई यहाँ पे, अगर ये वाला लेवल देखिए यहाँ से हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, अगर इसके नीचे आ गई तो हमारा एक्सपेक्टेशन फिर से रहेगा कि मार्केट फिर से नीचे आ सकती है। नाउ मूविंग टू द निफ्टी 50, इफ़ यू सी निफ्टी 50, देखिए ये एक स्लोली अपसाइड मूवमेंट ही दिया है। निफ्टी 50 भी देखे तो आज देखे तो दोनों ही इंडेक्स अपसाइड ही मूवमेंट दिया है, एंड आज अच्छा एक अगर हम लोग कॉल बाय किए हैं तो हम लोग को प्रॉफिट का एक अच्छा चांस मिला है। यहाँ से देखिए देखिए निफ्टी 50 भी एक स्लोली अपसाइड ही मूवमेंट दिया है, अगर हम निफ्टी 50 को देखें तो दोनों ही इंडेक्स आज
एक अच्छा लेवल पे है, हाई पे ट्रेड कर रहा है, तो हमें यहाँ पे अच्छा एक ट्रेड का प्लान हो सकता है। एंड आज का भी हम बात करें तो आज वन साइड मूवमेंट दिया है, तो चांसेस आर वेरी हाई कि यहाँ पे असली लोग प्रॉफिट बनाए होंगे, क्योंकि अगर दोनों साइड मूवमेंट दे तो हमको लॉसेस का चांस रहता है और ट्रेड लूज कर सकते हैं। बट अगर वन साइड मूवमेंट रहा तो मोस्टली ये रहता है कि अगर हमारा एक स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है तो हम नेक्स्ट प्लान करके उस पर अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। चलिए देखते हैं कल हम लोग निफ्टी 50 कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, हमारा क्या प्लान होना चाहिए। आज अगर हम देखें तो देखें निफ्टी 50 यहाँ पे क्लोज हुई है 17,400 के आसपास हुई थी। अगर ये कल फ्लैट ओपन होने के बाद 17,400 क्रॉस कर देती है तो हमारे व्यू के हिसाब से थोड़ा सा अपसाइड मूवमेंट और हो सकता है, एंड हम अपने उसके हिसाब से अपने ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। उसके बाद भले ही ये रिटेस्ट करके ऊपर जाए बट 17,280 के नीचे आई तो हमारा एक प्लान होना चाहिए, और एक्सपेक्टेशन यही है कि थोड़ा सा और नीचे आएगा उसके बाद रिटेस्ट करके ऊपर जा सकती है, तो उसके हिसाब से हम अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके एंड मेरा वीडियो आप सबसे पहले देख सकें।